सब्सक्राइब करिए फैम व्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और नोकिया का नया फोन आ गया है अब इंडिया में, नोकिया 8 आपको मिल पाएगा इंडिया में जल्दी ही। और आज हम बात करने वाले हैं इस फोन के प्राइस स्पेसिफिकेशंस और हम देखेंगे क्या खास फीचर्स आपको मिलेंगे इस फोन में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको मिलती है 5.3 इंच की क्वाड एचडी स्क्रीन जिसपे लगा हुआ है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और अगर हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर। और इसकी हार्डवेयर देखें तो एड्रीनो का आपको 540 जीपीयू इसमें मिलता है। और जो बैटरी है वो है 3090 mAh की जिसे आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं टाइप सी पोर्ट के थ्रू। और दोस्तों, आपको इसमें मिलती है 4GB रैम। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज है इसमें 64GB जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं एसडी कार्ड लगाकर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस फोन के डिजाइन की तो ये बना है यूनिबॉडी एल्यूमिनियम से, काफी अच्छा डिजाइन है। और जो हाईलाइट है इस फोन की वो है इस फोन के कैमरा। इस फोन में आपको मिलते हैं 3 कैमरा, 2 कैमरा इस फोन के पीछे, कैमरा फ्रंट में। और तीनों ही कैमरा जो आपको मिलते हैं वो है 13 मेगापिक्सल के। तो जो इसके 2 बैक कैमराज हैं उसमें एक सेंसर है ब्लैक एंड व्हाइट और एक है कलर्ड। तो नोकिया का कहना है काफी अच्छी लो लाइट आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस फोन में। और दोस्तों, आप फ्रंट कैमरे के थ्रू भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K वीडियो। एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है इसमें आपको मिलेगा ओजो ऑडियो का, यानी इसमें होगा ये कि 3 अलग अलग माइक्रोफोन्स के थ्रू फोन करेगा ऑडियो को रिकॉर्ड 360 डिग्री में। तो अगर आप बनाना चाहते हैं वीडियोस इस फोन के थ्रू तो काफी कमाल की वीडियोस आप बना सकते हैं, ऑडियो भी काफी कमाल की ये फोन लेगा। और एक और जो फीचर है दोस्तों इस फोन में आपको मिल रहा है वो है आप फ्रंट और बैक कैमरे को एक साथ यूज कर सकते हैं वीडियोस या फोटोज लेने के लिए एक ही शॉट में। तो इस फीचर का जो नाम नोकिया ने रखा है वो रखा है बहुत ही काफी अच्छा फीचर रहेगा ये भी। दोस्तों, इस फोन में मिल जाते हैं आपको सभी सेंसर्स। अगर स्क्रीन के नीचे देखें तो आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइड में मिलते हैं नेविगेशन के लिए बटन्स। और ये फोन आता है IP54 सर्टिफिकेशन के साथ, यानी अगर आप इस फोन को डुबाएंगे पानी में तो हो जाएगा खराब, लेकिन थोड़े बहुत पानी या स्प्लैशेज में इस फोन को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो इंडिया में ये फोन आपको मिलेगा 36,999 यानी 37,000 में ये फोन आपको मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में जो इस फोन का प्राइस है वो है अराउंड 45,000। तो इंडिया में काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस रखा गया है। अगर हम देखें इस फोन का हार्डवेयर, नोकिया की ब्रांडिंग और जो कुछ खास फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं तो ये प्राइस जस्टिफाई होता है, क्योंकि अगर आप देखें इस रेंज में 37,000 में और भी जो अच्छी कंपनीज हैं, सैमसंग की आप बात करें, एप्पल की आप बात करें, तो फ्लैगशिप फोन्स आपको नहीं मिलते हैं इस हार्डवेयर और इस स्पेसिफिकेशंस के साथ, आपको फोन नहीं मिलेगा इस रेंज में। तो 37,000 में ये जस्टिफाई करता है इस स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो दोस्तों, क्या आप खरीदेंगे इस फोन को 37,000 में, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ और नए टेक न्यूज के साथ और गैजेट्स के साथ जो आपको पसंद आए और आपके काम भी आए। दोस्तों, मैं हूं फहीम, खुदा हाफिज़।